शिवलिंग के ऊपर जो हमें पिंड दिखाई पड़ता है, वास्तव में वो एक छोटे स्तंभ की भांति है जो 9 आध्यात्मिक रहस्यों को दर्शाता है, और ये स्तंभ 3 बराबर भागों में बटा हुआ है। इसका निचला भाग जो चौकोर है वो ब्रह्मा की ओर संकेत करता है। बीच का भाग जो अष्टकोण है वो विष्णु की ओर संकेत करता है। वे दोनों भाग सामान्य रूप से देखने में नहीं आते हैं, क्योंकि दोनों भाग अधोपदम और ऊर्ध्वपदम नाम के दो बाह्य पीठ के अंदर दबे रहने के कारण गुप्त रहते हैं। अतः ब्रह्मा और विष्णु दोनों निराकार रचयिता शिव की रचना होने का संकेत देते हैं। शिवलिंग के ऊपर का हिस्सा अथवा पिंड जो देखने में आता है, उसे 7 भागों में बांटा गया है। रुद्र, महेश, सदाशिव, परबिंदु, परनाद, पराशक्ति, परशिवम। इसलिए शिवलिंग कोई लैंगिक प्रतीक नहीं है, और ये निराकार परमात्मा शिव का साकार प्रतीक है।